दोस्तों कभी कभार क्या हो जाता है कि कुछ फैंस ही होते हैं जो अपने ही आइडल के रास्ते का कांटा बन जाते हैं, और इस समय कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। एल्विश आर्मी ही सबसे बड़ा रोड़ा बनती हुई दिख रही है एल्विश यादव के बेल वाले सिलसिले में। मतलब एक तरफ जहां पर ये बातें हो रही हैं और होनी स्वाभाविक है कि एल्विश यादव जेल से कब बाहर आएंगे, वहीं एक बात ये भी हो रही है कि भाई एल्विश आर्मी ही वो वजह है जिनकी वजह से एल्विश यादव अभी तक जेल में हैं, वरना बाहर आ गए होते। ये बातें सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, किस लिए इस तरीके की बातें हो रही हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूस, मेरा नाम गणेश कांदू है और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों एक तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारा प्यार एल्विश को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एक इस समय देखा जाए तो बहुत सारी नफरत भी मिल रही है। लेकिन अगर आपको याद हो सौरभ गुप्ता जिनकी जिन्होंने केस किया था हाल फिलहाल एल्विश पे कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, उनको अभी दोबारा से एल्विश आर्मी की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं, थ्रेट मिल रही हैं। देखिए इसके पहले मैं डिस्क्लोज करूँ पूरी तरीके से, इसके पहले भी एक बंदे हैं जिनका नाम रैंडम सेना है, जिन्होंने एल्विश आर्मी का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने भी ये बात कही थी कि फैंस को थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखना पड़ेगा, अगर फैंस अपने आप पर काबू नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें एल्विश यादव के लिए ही दिक्कत भरी होंगी, क्योंकि अगर एल्विश यादव को जेल से बाहर आना है तो कहीं ना कहीं उनको अपने फैंस की तरफ से थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कोऑपरेशन चाहिए होगा कि उनके फैंस इस केस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ना करें, ना कोई बयानबाजी करें, ना कोई घोषणाबाजी करें, ना कोई बात कहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं सीधे सीधे एल्विश यादव को। और इस समय कुछ ऐसा ही, अगर आपको याद हो रैंडम सेना ने भी यही सेम बात कही थी कि भाई ये कट्टरपंथी वाले जो फैन बेस हैं यही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं एल्विश यादव को उनके बेल के लिए, और कुछ वैसा ही इस समय होता हुआ भी दिख रहा है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या ओपिनियंस है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।